अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज मैं आपके साथ इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो बात करने वाला हूं वो है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन की, और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन क्या है, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्शंस करने वाले हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, और दूसरे वाला आसान सा है, वो ऑलरेडी हम लोग अल्केन और अल्कीन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो चलें जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो करते हैं, और रिएक्शन का नाम है जी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन। बच्चों मैं अल्काइन की जो कि है इथाइन, मैं उसकी ऑक्सीडेशन करने लगा हूं बाय यूजिंग स्ट्रांग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। मैं पहले इसमें आपको जो कुछ करने वाला हूं मैं उसकी जरा स्टोरी बता देता हूं, फिर मैं आपके साथ रिएक्शन शेयर करूंगा। बच्चों जब मैं इथाइन की ऑक्सीडेशन करूंगा विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा जो चेंज हो जाएगा इनटू ग्लाइऑक्सल। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपसे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ ग्लाइऑक्सल आर प्रिपेयर्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, बच्चों वो जो इथाइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइऑक्सल में। इसका मतलब है सबसे पहले तो मैं क्या बनाने वाला हूं? ग्लाइऑक्सल। नंबर टू, बच्चों वो जो ग्लाइऑक्सल होगा मैं उसकी मजीद ऑक्सीडेशन करूंगा और वो चेंज हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। इस तरीके से आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ ऑक्सैलिक एसिड आर प्रिपेयर्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर 8 का। या ऐसे कहता है या फिर कहता है कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। देखो हमने कैसे करना है, सबसे पहले मैंने इथाइन से एक इंटरमीडिएट बनाना है, फिर मैंने इंटरमीडिएट से ग्लाइऑक्सल बनाना है, फिर मैंने ग्लाइऑक्सल की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन, और वो स्टूडेंट किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड में। तो इस तरीके से ये स्टोरी आपको ऐसे आनी चाहिए। चलते हैं रिएक्शन की तरफ। ये देखो ये मेरे पास है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर प्लस, बच्चों मैं ऑक्सीडेशन करने लगा हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये है जी KMnO4। देखो बच्चों आप लोगों को एक बात याद होगी, ये वाटर है अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन, ये है ऑक्सीडेशन, हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने लगे हैं। अच्छा बच्चों आप लोगों को याद होगा जब मैंने यही ऑक्सीडेशन करवाई थी अल्कीन की, इससे पहले वाले रिएक्शंस में मैंने क्या किया था? वहां एक डबल बॉन्ड था तो मैंने एक डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था, और मैंने इस मटेरियल से क्या जनरेट किए थे? दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए तब हमने उसे हाइड्रोक्सीलेशन भी कहा था। यही रिएक्शन जब हम अल्कीन के लिए करते हैं तो हम उसका नाम क्या रखते थे? हाइड्रोक्सीलेशन, जिसको हम बेयर रिएजेंट भी बोलते थे, बेयर टेस्ट भी बोलते थे। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, सिर्फ फर्क इतना है कि बच्चों वहां एक डबल बॉन्ड तोड़ना था तो आपने कितने हाइड्रोक्सिल ऐड किए थे? दो। यहां डबल बॉन्ड है दो, मींस हमने ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है और ऊपर वाला भी करना है, तो लिहाजा कितने हाइड्रोक्सिल ऐड करने वाला हूं मैं? चार। तो ये वाली एक इंटरमीडिएट बनने वाला है CH, ऐसे बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल रह गया ये CH, ये वाला अभी लिख रहा हूं। ये देखो ये एक OH,
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बच्चों देखो, ये एक इंटरमीडिएट बना है जिसने फर्दर किस में चेंज होना है, ग्लायोक्सल में। गौर से देखो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बच्चों हमारे पास देखो यहां हाइड्रोजन हमने कितने न्यू ऐड किए हैं, चार, तो इसलिए इसको दो लगाते हैं ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन कितने नए ऐड किए हैं, ये देखो एक दो तीन चार, तो बच्चों यहां कितने हैं, ये दो, और इसके साथ दो लगा देते, रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब बच्चों मैं इसको दोबारा लिखता हूं इसी इंटरमीडिएट को, OH, 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 OH और ये H। बच्चों जरा गौर से देखो इसमें क्या होने वाला है, यहां से दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाते हैं, 2H2O, और बच्चों ये किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइऑक्सल में। कैसे, ये देखो ये है मेरे पास ग्लाइऑक्सल का फार्मूला, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। मैं आपको बताता भी हूं कि ये कैसे बना है, ग्लाइऑक्सल हमने जी अल्काइन को इथाइन को किस में चेंज कर दिया है, ग्लाइऑक्सल में, और हमने क्या प्रिपेयर किया, ग्लाइऑक्सल मींस इथाइन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो विद अल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन तो वो बच्चों किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइऑक्सल में। ये बीच में इंटरमीडिएट बना था। अच्छा हुआ क्या है, जरा गौर से देखो, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल मिलके एक वाटर बना देंगे, यहां से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल मिलके एक वाटर बना देंगे, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन और यहां जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था वो मिलके यहां क्या जनरेट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड। सेम यहां पे भी ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इधर जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था वो यहां मिलके क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। इस तरीके से हमारे पास क्या चेंज बन जाता है, ग्लाइऑक्सल। ये एक इंटरमीडिएट चेंज हो रहा है किसमें, ग्लाइऑक्सल में। अच्छा बात यहां तक खत्म नहीं हुई, जैसे ही ये बनता है इस ग्लाइऑक्सल की फर्दर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जरा गौर से देखो कैसे, इसकी ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, प्लस दो ऑक्सीजन मैंने लिए हैं नेसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन, उसी के MnO4 की प्रेजेंस पे। बच्चों गौर से देखो होता क्या है कि एक ऑक्सीजन आके यहां अटैच हो जाएगा, एक यहां लग जाएगा, तो देखो जरा क्या बन गया, ये ऐसे हो जाएगा। आप इसको इकट्ठा लिखो तो जरा खूबसूरत लगता है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। बच्चों ये जो चीज बनी हुई है इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और इस तरीके से बच्चों हम क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है समटाइम सी डबल ओ एच ट्वाइस, तब भी यही है, ये देखो सी डबल ओ एच दो दफा है, तो सी डबल ओ एच ट्वाइस, ये ऐसे भी लिखा होता है सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, याद रखना ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये सारे क्या हैं, ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन का पूछ सकता है, ग्लाइऑक्सल कैसे बनता है ये पूछ सकता है, या ये भी कह सकता है कि आप अल्काइन को इथाइन को चेंज करो ऑक्सैलिक एसिड में, ग्लाइऑक्सल में। ये भी सिंपली भी सीधा सीधा भी बोल देता है एग्जामिनर के हाउ अल्काइन इथाइन रिएक्ट विद अल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन, तो जैसे भी बोले इसको याद रखना है। तो एक था जी ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप ऐसे जरा हम उसको शुगल के तौर पे पढ़ते हैं। तो चलें जी, क्या है शुगल जी हमारा, उसमें कंबस्शन रिएक्शन, सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ अल्काइन। बच्चों याद रखना, जब आप अल्काइन को, ये रिएक्शन सेम है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, आप जब भी इन तीनों की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट आप क्या करते हो, कंबस्शन। बच्चों हमारे पास तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बच्चों क्या होती है, हीट। तो आए जरा रिएक्शन करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है मेरे पास अल्काइन C2H2 इथाइन प्लस। बच्चों मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न करता हूं, फ्लेम है। स्टूडेंट्स ये किस में चेंज हो जाता है जी, ये चेंज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्या होता है जी, हीट। अब याद रख लो कि हम जब भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न करेंगे तो हमेशा तीन चीजें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट। रिएक्शन को बैलेंस को भी कर लीजिएगा, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।